अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जबार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना रब्बुल इज्जत की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की वीडियो बिलखसूस जो है वो अपने दोस्त अहबाब, अपनी फैमिली मेंबर्स और स्पेशली हमारे चैनल की जो फैमिली है, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से कहीं ऊपर जा चुके हैं, दूसरे चैनल पर भी हमारे जो है वो 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, इन तमाम के लिए है। और आप मेरा फैमिली का पार्ट है, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है, सो डेफिनेटली ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन साबित होगी। खुद भी ये अमल कीजिएगा, मेरी स्ट्रॉन्गली आप इसको रिक्वेस्ट समझ लीजिए और अपील है कि इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओमिक्रोन या आप जिसको कहते हैं COVID-19, ये क्यों फैल रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है? मेडिकल के अलावा, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी मेडिकल को डिनाई करो, मेडिकल के अलावा क्या इसका कोई रूहानी तदारुक भी है? मैंने पिछले दिनों में, बल्कि पिछले सालों में, जब से कोविड फैला, मैंने एक चीज़ बहुत नोट की, प्रैक्टिकल भी मैंने फिर उसको देखा। आज मैं इसके ऊपर जो है बात करने लगा, अभी तक मैंने इसके ऊपर बात नहीं की थी। आज भी मैं कोविड पर बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा, जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये नहीं है कि इसकी वजूहात क्या है, ये कब जाएगा, क्या होगा। एक्चुअली ये इस वक्त डेवलप क्यों हो रहा है, मेरी पिछले दिनों में बात हुई मेरे कराची में एक छोटे भाइयों जैसे हैं, उनसे बात हुई तो बात करने लगे कि जवार भाई ऑफिस में 500% वर्क करते हैं और उनमें से जब टेस्ट करवाया गया है तो 109 या 119 का फिगर उन्होंने मुझे बताया कि इतने लोगों का कोविड पॉजिटिव आया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ जो कराची में रवाबित हुए तो वो भी ये बात कर रहे थे कि भाई कराची में स्पेशली इसकी वजह जो है ना, उसके फैलने का बहुत ज़्यादा रेशो जो है वो बढ़ी हुई है, इवन के 20% प्लस की जो है वो रेशो जा रही है। पाकिस्तान के हवाले से ये एक बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन थी। ये एक्चुअली है क्या, ये वायरस है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं, लेकिन ये एज ए इन्फेक्शन फैलता है। जिस तरह इन्फेक्शन एक से दूसरे को, तीसरे को, और ये फैलती चली जाती है, आपकी बॉडी में फैल जाती है, एग्जैक्टली इसलिए। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ जो एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से है वो ये है कि मरकरी यानी कि सैयारा अतारत जब भी नेगेटिव होगा, डिबिलेटेड होगा या बवाल में होगा या रेट्रोग्रेड होगा, तो इसके फैलने की जो इन्फेक्शन है उसके फैलने की शरह जो है वो बढ़ती चली जाती है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। मैं आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने लगा हूँ जो मैंने अपने कई दोस्त अहबाब को, फैमिलीज़ को जो मैं बता चुका, आपके सबके लिए मुस्तफ़ीद होने के लिए। और मैं स्पेशली गुजारिश करूँगा कि आज की ये जो वीडियो है ये किसी लालच के तहत नहीं है, ये बुनियादी तौर पर हम इस पर बात थोड़ा सा करने की वजह यह है कि कोई शक नहीं कि हमें मेडिकल की ज़रूरत है, लेकिन क्या दुआ वर्क करती है? अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, आप लोग जो है वो तावीज़ गंडों वाले के पास चले जाते हैं, ये पी लें, वो कर लें, ये पढ़ लें, तो क्या हमें इस्लाम बताता नहीं है कि दुआ में इतना असर है कि उस दुआ से आप मौत को टाल सकते हैं? तो क्या वजह है कि हम इसकी तरफ नहीं जाते? आज मैं आपको दो चीज़ें ऐसी बताने लगा हूँ स्पेशली जो कि एक दुआ की सूरत में, कलामुल्ला से ही इलाज में आज आपको बताऊंगा, दूसरा सदके की सूरत में। सदका के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज जो है वो मौजूद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे हम इसकी बात ना करें? मैंने जो मुशाहिदा किया उसमें ये था कि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो ये इन्फेक्शन को फैलाता है। अब जिस वजह से मैं वीडियो बना लगा, मरकरी इस वक्त भी रेट्रोग्रेड है, 14 फरवरी से जो है ये रेट्रोग्रेड हो चुका है और 14 जनवरी से रेट्रोग्रेड हो चुका है, 4 फरवरी तक इसने रेट्रोग्रेड रहना है। इसी ड्यूरेशन में 26 जनवरी को ये जो है वो एंटर हो जाएगा कैप्रिकॉर्न में और फिर 14 फरवरी को वापस ये जो है वो आएगा। अभी भी सूरत हाल थोड़ी सी अंडर कंट्रोल है, जो चीज़ें आगे हैं वो ये है कि इसी ड्यूरेशन में जब इसने 2 मरतबा जो है सैयारा प्लूटो के साथ जो है इसकी कंजक्शन होनी है, और बहुत सारी जो रिसर्च है एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से उसमें ये बातें सामने आई कि प्लूटो जो है वो एक ऐसा सैयारा है कि जो ट्रांसफार्मर को शो करता है, डेथ को भी शो करता है, जंगों का है। आप देखें कि क्या होता है, खून ब्लड में जो है फिशार पैदा होता है, फेफड़े इससे इन्फेक्टेड, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इसने 2 टाइम में जो है इसके साथ किरान करना है, कंजक्शन करनी है। मरकरी ऐसा सैयारा है
कि ये जिस बी के साथ जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है। सो आज की लिए मैं आपको बताता हूँ कि 29 जनवरी को पहले ये जो है वो रिवर्स होते हुए प्लूटो के साथ कंजक्शन करेगा कैप्रिकॉर्न में, उसके बाद ये दोबारा फॉरवर्ड होते हुए जो है कंजक्शन इसके साथ करेगा 11 फरवरी को। सो ये तमाम ड्यूरेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही एहतियात की मुतकाजी होगी। आप ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा ताकि अभी मैं जो आपको सदका बताने लगा हूँ, जो मैं आपको दुआ बताने लगा हूँ, इसको हम सब जो है वो इस्तेमाल करें। मैं अपने बहुत ही करीबी लोगों को ये चीज़ें बता चुका, ये केस कोई हमारे सामने पहले नहीं है, लेकिन मैंने आज तक इसके ऊपर बात नहीं की थी। मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो हम कहीं किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, हम किसी वो एक ट्रेंड मेकिंग की तरफ तो नहीं चल रहे। सो मैं नहीं कर रहा था। सात सलाम कलामे पाक में बुनियादी तौर पे मेरी तहकीक के मुताबिक 14 सलाम मौजूद हैं, जिसमें से सात सलाम जो है वो बहुत ही मुस्तामिल हैं। सलाम के लफ्जी मानी अगर आप अरबी लुगत में देखें तो सलामती के हैं। आप जब सलाम किसी की तरफ भेजते हैं तो वहां से जवाब भी आपको आता है। उन लोगों के लिए जिनका अकीदा है कि सरकार दो आलम आज भी हमारे लिए खत्मी मरतबा जो है वो मौजूद है, हम जो आज भी या रसूलल्लाह स्पेशली कह लेते हैं, मैं उनको कह लूँ कि या हम उसको कहते हैं जिसको हम हाजर नाजर जानते हैं। सो मेरा अपना अकीदा ये है कि हम दुआ मांगते हैं और परवरदिगार इनके तवसल से जो है वो हमें जो है वो हमारे लिए शिफा जो है वो देता है, सलामती आती है। तो जब हम सलाम पेश करते हैं किसी भी हस्ती को तो वहाँ से जवाब भी आता है। हमारी बसारत, हमारी बसीरत अगर उसको नहीं सुन पाती या नहीं देख पाती तो एक अलग बात है। तो सात सलाम मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है वो शो कर दिए, ये आपको हमारे व्हाट्सएप से भी मिल जाएंगे। इसको अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज है 81 टाइम जो है इसको पढ़ के, तो आप जो है मरीज को दम भी कर सकते हैं, उसका पानी भी आप पिला सकते हैं। और इस नीयत से पढ़िए कि परवरदिगार जो है वो मेहरबानी फरमाए, इन हस्तियों के जरिए हमें जो है वो इससे निजात मिले, इस वबा से जो है वो निजात मिले और जो पर्सन है जो हमारे करीबी है उसको शिफा मिले। उसके अलावा सूरह अंबिया आयत नंबर 69, शदीद बुखार की सूरत में ये दुआ जो है वो पढ़ने के लिए बताई जाती है। और आप देखेंगे जिसको भी होता है इन्फेक्शन, ये उसको इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो बुखार की सूरत में आता है। अब आप अगर इस आग को, इस जलन को जो है वो अगर बुझाना चाहते हैं, सूरह अंबिया की आयत नंबर 69, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या नारकुनी बारदन व सलामुन अला इब्राहिम, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मिल जाएगी। ये कम अज़ कम एक तस्बीह रोज़ाना पानी पर दम कर लीजिए, सारे घर के अफराद पीजिए। ये सिर्फ वीडियो कराची वालों के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। सो इसके ऊपर कोशिश कीजिएगा। दो सदकात स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करने लगा हूँ। एक तो मैं ऑलरेडी जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो मैं, या नेगेटिव होता है, मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप 500 ग्राम मूंग साबत का सदका दें। अब यहाँ पर आपने ये नहीं सोचा कि किस दिन दें, आप पहली फुर्सत में दें अगर आप प्रॉब्लम में है, अदरवाइज इसका दिन बुध है। अगर आप मुश्किल महसूस करते हैं पहली फुर्सत में दें, 500 ग्राम दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, 5 किलो सब्जी दीजिए। पहली कोशिश कीजिए कि किसी डिजर्विंग पर्सन को दें। इसके साथ एक खसूसी जो सदका है वो है एक अदद कलेजी, फेफड़ा और दिल। ये आप बकरे का ले लें, बड़े जानवर का ले लें, आपको जो भी मिल जाए वो दे, ये कम अज़ कम ये सदका जो है वो लाजमी दीजिए। आप इसके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतने अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे कि जो कि बयान से बाहर है। मेरी जो तजर्बा है वो यही है कि ये बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। वंस अगेन बताता चलो, सलामुन कौलम रब रहीम, ये वाले जो हैं सलामुन अला नूफिल आलमीन, सलामुन अला आल यासीन, ये तमाम जो सात सलाम है इसको 81 टाइम पढ़िए। और अगर आप इससे महफूज हैं तो इसको कम अज़ कम भी जो है वो 27 टाइम डेली पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए, ताकि आप परवरदिगार की अमान में अभी से चले जाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस कार्य खैर में शामिल होंगे, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब तक, अपनी फैमिलीज तक, जिसकी भी आप केयर करते हैं उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कहूँगा किसी भी मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं या आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको ड्रॉप मत करें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे कोई भी पेशेंट जो है वो बीमार होता है तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ताकि उसकी बॉडी का जो है वो हम कर सकें, लेकिन उसके साथ साथ हम दुआ को भी जारी रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जाना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।